Jadhav.com के सीईओ और co-founder आशीष केलकर. गुड आफ्टरनून आशीष, कैसा दिख रहा है बाजार आपको, क्या करने की आप अभी सलाह देंगे? वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका. ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो निफ्टी में आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट होते हुए हम देख पाएंगे, और ये जो रेंज है वो बहुत ही स्मॉल है. करीबन 100 पॉइंट का रेंज निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रहा है. ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 11,000, और नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 10,900. तो 10,900 के नीचे अगर फिसलता है तो सीधा एक 50-60 पॉइंट का फॉल एक्सटेंड होते हुए हम देख पाएंगे. तो मैं वॉच कर रहा हूं ये लेवल 10,900 का. अगर वहां पे एक अच्छा सपोर्ट लेता है तो वापस एक उछाल आएगा, लेकिन एक रेंज में ही रह सकता है मार्केट. और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देना ऐसे ट्रेडिंग सेशन में मुनासिब रहेगा. 25,300, 25,270 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए. तो 25,300, 25,270 के बीच में रहना चाहिए, ऐसे चार्ट के ऊपर रुझान है. 25,270 अगर टूटता है तो और एक हम 70 से 100 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में भी आते हुए देख पाएंगे. आशीष जी, ये बताइए किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है, आपके मुनाफे वाले शेयर कौन से होंगे? पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो है टाटा एलेक्सी. टाटा एलेक्सी का ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसने एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है. हालांकि अभी थोड़ा नीचे आया है, फिर भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए. मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा. मैंने पहले 1198 का स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन वो मैं अभी 1185 का स्टॉप लॉस करना चाहूंगा. और ऊपर की तरफ जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1230 का. तो 1230 का लेवल आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको टाटा एलेक्सी में दिखना चाहिए. मैं वापस एक बार दोहराता हूं, मैं मेरा स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहा हूं, 1185 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1230 का टारगेट इंटैक्ट रहेगा. आपको ये टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है पिडिलाइट? पिडिलाइट का अगर मैं डेली चार्ट रेफर करता हूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि करीबन 1022 का था, ये इसने तोड़ दिया है. तो डेली चार्ट पर ये चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है. मैं मानता हूं ये गिरावट जो अभी आज के दिन में हम देख रहे हैं ये अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जारी रहने की संभावना है. और चार्ट के ऊपर इसका अगला जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 974 का. तो अभी ये स्टॉक करीबन 1000 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसका अगला इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 974 का है. तो अगले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में इवेंचुअली ये स्टॉक डेफिनेटली 974 तक आने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है. तो लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली स्क्वेयर ऑफ कर देनी चाहिए. और अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन ओपन है तो होल्ड करके रखना चाहिए. नया शॉर्ट अगर इनिशिएट करना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 निकल के आ रहा है. तो एग्रेसिव ट्रेडर है तो नई शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, पोजिशनल कॉल होगा. और स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1022 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 1974. ये आज कंज्यूमर स्पेस की ये दो ही स्टॉक्स में हम जिस तरह की गिरावट देख रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ कहीं बाइंग का मौका बनता है बाटा और गोदरेज कंज्यूमर में? पहले मैं गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करना चाहूंगा प्रियंका. इसमें हमने देखा है कि यह स्टॉक करीबन 980 से करेक्ट हो रहा है और अभी करीबन 765 लेवल पे यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. तो ऐसे फॉल के बाद यहाँ पे करेक्शन होना टाइम करेक्शन होना जरूरी है. टाइम करेक्शन यानी थोड़ा साइडवेज जाने की संभावना है. और गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट अगर हम रेफर करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल जो लेवल है 965 का, तो 965 से लेकर 950 ये एक ट्रेडिंग रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है. तो अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए. पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 965 to 950 के लेवल के बीच में एक्यूमुलेशन अगर होता है तो जरूर एक बाउंस बैक आते हुए हम देख पाएंगे. और उसका लक्ष्य जो रहेगा करीबन 790 तक का हो सकता है. दूसरा स्टॉक जो बाटा आपने कहा, बाटा इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर भी करीबन इसी तरह का है. एक अच्छा करेक्शन हो चुका है करीबन 1100 से लेके अभी 930 तक. ऐसे करेक्शन के बाद इसने एक रिवर्स पैटर्न को ब्रेकआउट भी दिया है. तो मैं मानता हूं यहां पे चार्ट स्ट्रक्चर और थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो 900 रुपए के करीब है. तो 900 का लक्ष्य पकड़ के शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है.